हाय एवरीवन आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं जो कि आपके पीएचडी के एडमिशन के फ़ी से जुड़ा हुआ है आप सभी के द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से लगातार पूछा जाता रहता है कि सर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पी के एडमिशन फ़ी कितनी लगती है टोटल कितना खर्चा लग जाता है इस कोर्स को कम्प्लीट करने में तो आज के वीडियो में क्लियर इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाला है आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि पी कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है पाठ्यक्रम का जो समय अवधि होता है वो सामान्य तौर पे तीन से छः वर्ष का होता है ठीक है यानी मिनिमम आपको तीन वर्ष का समय मिलता है इस कोर्स को पूरा करने के लिए और अधिकतम देखा जाए छः वर्ष तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं तो तीन से छः वर्ष के बीच में आपको अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लेना होता है और पी करते समय देखा जाए तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं जैसे कि आपको नेट जी होने पर पी अगर आप करते हैं तो हर महीने देखा जाए फोर्टी टू फोर्टी फाइव थाउजेंड चालीस से पैंतालीस हज़ार पर मंथ रुपए देखा जाए आपको फेलोशिप के रूप में मिल जाता है आपके रिसर्च वर्क के लिए अगर आप लोग नेट जे नहीं है तो नॉन नेट फेलोशिप भी आपको मिलता है जो कि अभी तक आठ हज़ार रुपये पर मंथ दिया जाता है आपके रिसर्च वर्क के लिए इसके अलावा बहुत सारे अन्य फेलोशिप स्कॉलरशिप देखा जाए योजनाएं चलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अन्य देखा जाए तो एन की तरफ से जो कि आपके रिसर्च वर्क को देखते हुए आपके रिसर्च वर्क के क्वालिटी को देखते हुए रिसर्च वर्क के प्रॉब्लम को देखते हुए ठीक है जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखा जाए पी के कार्यक्रम को जारी रखने के लिए फंड मिलते हैं ठीक है तो उससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट प्राप्त हो जाते हैं लेकिन बात करेंगे कि आपके कोर्स की फ़ी कितनी लगती है उसके ऊपर आपको बता दें पी कोर्स की फ़ी बहुत ही कम लगती है तो एक नर्सरी क्लास में देखा जाए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें अगर आप एडमिशन कराते हैं बच्चों का तो उस फी से बहुत कम लगता है आपका पी के कोर्स का फी आपको बता दें पी के जब ये कोर्स आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका जो भी प्रोग्राम चलता है रिसर्च वर्क इसमें चलता है वो आपका प्राइवेट नहीं होता है ठीक है ये आपका देखा जाए तो सार्वजनिक होता है यानी जो भी आप अपने किसी टॉपिक को ले रिसर्च वर्क करते हैं तो जो टॉपिक होती है उसको कहते हैं प्रॉब्लम तो रिसर्च प्रॉब्लम पे आप वर्क करते हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसके पीछे क्या कारण है या आप कोई नई चीज़ें इनोवेटिव चीज़ निकाल के अगर लाते हैं तो हमारे समाज को उससे बेनिफिट मिलता है तो गवर्नमेंट देखा जाए तो आपके ऊपर खर्चा करती है ताकि आप रिसर्च करें आप किसी समस्या के पीछे के कारणों का पता लगाएं, समस्या के समाधान को बताएं या देखा जाए नई कोई चीज़ आप निकाल के लाएं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए हमारी कंट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो तो ऐसे वर्क करने के लिए आपको गवर्नमेंट खुद पैसे आपके ऊपर खर्च करती है और पीएचडी कोर्स की जो आपसे फ़ी ली जाती है वो एक तौर पे देखा जाए तो एक रजिस्ट्रेशन की फ़ी होती है तो चलते हैं आपको लेके चलते हैं एक ऑफिशियल पेमेंट के स्लिप के ऊपर फी के स्लिप के ऊपर जो कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का है और आपको वहाँ पर बताते हैं कितनी आपकी फ़ी लगती है तो यहाँ तो यहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की देखा जाए एडमिशन फ़ी की स्लिप है तो आपको बता दें इस समय जो आपका कोर्स चलता है वो सेमेस्टर में चलता है ठीक है तो कम से कम तीन वर्ष आपको देने ही पड़ेंगे तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि तीन वर्ष में कितने खर्चा हो जाएंगे देखिए यहाँ पे जो फी है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए है और यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के, के लिए फी रखी गई है ठीक है तो अगर रिजर्व कैटेगरी की बात किया जाए तो कहा जा रहा है यहाँ पे एडमिशन के फी में कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा तो कोर्स वर्क के साथ आपका फी होगा नाइन थाउजेंड आपका फाइव हंड्रेड फिफ्टी यानी नौ हजार सौ पचास रुपया क्यों फर्स्ट ईयर में ये ज़्यादा दिख रहा है क्यों कि कोर्स वर्क आपको फर्स्ट ईयर में करना होता है जो कि आपका कोर्स वर्क जो होता है रिसर्च वर्क से संबंधित आपके क्लासेस चलते हैं ठीक है पेपर होता है और आपके रिसर्च वर्क कैसे आप कंडक्ट करेंगे इसके बारे में आपको देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है क्लासेस ओवर होने के बाद आपका एक फाइनली एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद आपको रिसर्च टॉपिक अलाट होता है और फिर जाके आप रिसर्च वर्क अपना स्टार्ट करते हैं ओके तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में होता है फर्स्ट ईयर में होता है अगले सेमेस्टर से ये चीज़ें नहीं होती हैं और फिर जाके आपका फ़ी कम हो जाता है अगले सेमेस्टर में चार हज़ार चार सौ पचास रुपये आपके लगते हैं जैसे यहाँ पे ठीक है तो करीब पाँच हज़ार रुपये आपका लगता है सेकेंड सेमेस्टर में और ये चीज़ें आपका फिर नेक्स्ट सेमेस्टर आपका नेक्स्ट ईयर से ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएंगी तो अगर देखा जाए यहाँ पर फर्स्ट ईयर की फ़ी देखा जाए तो नाइन एंड फोर ये मिला के देखा जाए आपका टोटल हो जाता है थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ ठीक है तो तेरह हज़ार चार सौ रुपये हो जाता है नेक्स्ट ईयर अगर आपका दो सेमेस्टर फिर आपका जो आएगा तो चार हज़ार चार सौ पचास को अगर आप डबल कर देते हैं दो सेमेस्टर कर देते हैं तो ये आठ हज़ार नौ सौ हो जाता है ठीक है तो फर्स्ट ईयर में तेरह हज़ार चार सौ सेकेंड ईयर में आपका हो गया आठ हज़ार नौ सौ एंड थर्ड ईयर दो सेमेस्टर का फिर हो गया आठ हज़ार नौ सौ अगर इस सभी को आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा थर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ ठीक है तो या कहा जाए तीस हजार के आसपास में आपका तीन वर्ष में आपको पेमेंट करने पड़ेंगे अपने में, है? तो ये आपका रहा खर्चा अगर आप कोर्स कैटेगरी से है जनरल से हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कितनी फी लग रही है तो मान के चलिए पचास का आपका खर्चा पड़ जाता है ठीक है लेकिन जब आपका कोर्स एकदम कंप्लीट होने वाला होता है तो आपके थीसिस बनते हैं और थीसिस जब फाइनल सबमिट करते हैं तो टेन थाउजेंड रुपये सभी कैटेगरी के लोगों को सबमिट करना पड़ेगा यानी जाते जाते आपको दस हजार और देना पड़ेगा लेकिन लाखों रुपए आपको मिल सकते हैं अगर आप नेट जार एफ है नेट जार एफ नहीं है तो भी अगर अदर फेलोशिप का लाभ लेके तो जितना आप यहाँ देते हैं उससे ज्यादा आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है ओके तो आज की वीडियो इतना ही से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं एजुकेशनल चैनल और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो